अभी मैं डोडा के असर इलाके में मौजूद हूं, जहां पिछले 3 दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में इंकाउंटर जारी है। आप देख सकते हैं रात से यहां पे बरसात हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ों पे जो है धुंध छा गई है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन है वो ज्यादा जो है चैलेंजिंग हो गया है। जिस तरह से पिछले 3 दिन से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे कॉर्डन किए हुए हैं, रात के वक्त परसों ये जो है ये तबादला एक्सचेंज ऑफ फायर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में हुआ था, जिसके बाद कल भी जो है एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा दिन में, लेकिन रात से जो है एक्सचेंज ऑफ फायर जो गोलियों का तबादला है वो बंद है। लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां कॉर्डन जो है अपना टाइट रखा गया है। इस बरसात के बावजूद, इन चैलेंजेस के बावजूद, जो चुनौतियां इनके सामने आई उसके बावजूद, किसी भी तरह की जो ढील है वो सिक्योरिटी में नहीं दी गई है, क्योंकि कोशिश यह है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जो आतंकवादी हैं उनको जल्द ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में जो 50 से 60 फॉरेन टेररिस्ट जो इस इलाके में मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन में खलल डाल सकते हैं, जिसके चलते हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने रीस्ट्रेटजाइज किया है अपनी स्ट्रेटजी को। यहाँ पे जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, VDC हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जो सेना के हमारे जो जवान लगे हुए हैं इस वक्त, वो इसी कोशिश में हैं कि ये आतंकवादी इस इलाके से बाहर भागने में कामयाब ना हो पाए, इसलिए आने वाली और जाने वाली गाड़ियों की जो चेकिंग है वो भी तेज कर दी गई है। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कल तक का जो गोलियों का तबादला है, एक्सचेंज ऑफ फायर है, ताबड़तोड़ जो गोलियों की आवाजें हैं वो सुनाई दी, लेकिन अब जिस तरह की धुंध पड़ी है तो आतंकवादियों को इसका फायदा मिल सकता है, वो भागने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं, हर नाके को जो है वो स्ट्रेंथन किया गया है, टाइट किया गया है, सिक्योरिटी जो चेकिंग है, फ्रिस्किंग है, उसको बढ़ाया गया है, और हालांकि मुश्किल हालात हैं लेकिन उसके बावजूद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जज्बा है वो बिल्कुल बना हुआ है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस वक्त जगह मैं मौजूद हूँ, ये डोडा का वही इलाका है जहाँ पे कल जो इंकाउंटर हुआ, और आज भी कोशिश यही है सर्च ऑपरेशन इस इलाके में, मैसिव सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया है उसकी यही है कि जब जल्द से जल्द आतंकवादी को ढूंढ निकाला जाए। हालांकि आतंकवादियों की तरफ से गोलियां नहीं चलाई गई हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लोकेशन मालूम हो, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाया हुआ है। कोशिश यही है कि जो ये धुंध है, ये कोहरा है, घना कोहरा है, उसका फ़ायदा आतंकवादी ना उठा पाएँ और ये कॉर्डन को भेदने में कामयाब ना हो पाएँ। आने जाने वाली गाड़ियों का चेकिंग जो है, फ्रिस्किंग, वो ज़्यादा कर दी गई है नाकों पे, जो खासकर डोडा से बाहर जाने वाले जो नाके हैं या डोडा जब एंट्री करते हैं वहाँ के जो नाके हैं सबको स्ट्रेंथन किया गया है। पुलिस रात से ही जो यहाँ पे चेकिंग जो है, फ्रिस्किंग जो गाड़ियों की, वो लगी हुई है, और उम्मीद यही है कि जो आतंकवादी हैं वो इस कॉर्डन को भेद के ना निकल पाए, क्योंकि 50 से 60 जो आतंकवादी हैं इसके लिए अब दिल्ली में भी स्ट्रेटजी बनाई गई है, स्पेशल फोर्सेस के कमांडो, अतिरिक्त सेना बल भी यहां पे डिप्लॉय जम्मू रीजन में किया जाएगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए यदि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होते हैं उसमें किसी तरह की गड़बड़ी, किसी तरह का खलल ना हो, और क्योंकि सभी पार्टियां भी चाहती हैं कि जो विधानसभा चुनाव है होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की मंशा है, उसके जो नापाक इरादे हैं कि यहां पे जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो ना पनपे, इसके लिए उसने अपने जो आतंकवादी हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि सेना पे जो है आतंकवादी हमले किए जाएं, लेकिन सेना भी तैयार है उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।